फाइनली हमारे पीछे आ चुकी है ऑल न्यू जावा 42। प्राइस जो है 2,44,000 रुपीज है। बाइक के अंदर क्या क्या नया, क्या क्या डिफरेंस आया है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। 2,44,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस है। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। शुरुआत करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इस बाइक के लुक के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से आपको ब्लैकड आउट लुक देखने को मिलेगा ऑल टुगेदर। यहाँ पर मैट ब्लैक के अंदर ये बाइक आती है। इसके अंदर टोटल 4 कलर्स आते हैं, चारों कलर्स का प्राइस सेम है, ऑलमोस्ट 2,44,000 रुपीज ऑन रोड जयपुर। मैट कलर के अंदर बहुत डिफरेंट लगती है मैट ब्लैक, मेरे हिसाब से सबसे हाईएस्ट सेलिंग कलर है बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग मीन लुक। यहाँ पर प्रॉपर आपको जो है ब्लैक आउट लुक देखने को मिलता है, कंप्लीट ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। यहाँ पर आपको जो है 294 cc का इंजन देखने को मिलता है। दिस इज अ वेरी वेरी रिफाइंड इंजन, 27 bhp आउटपुट, 27 Nm ऑफ टॉर्क, सुपर्ब गियर शिफ्ट्स हैं, एग्जॉस्ट साउंड बहुत प्यारा इसलिए बिकॉज दो एग्जॉस्ट सेटअप आते हैं इंजन में, सिलेंडर एक ही है बट एग्जॉस्ट सेटअप दो है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। यहाँ पर आपको दो एग्जॉस्ट सेटअप देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पर जो है इस बाइक की पिकअप और टॉर्क दोनों बहुत ही प्यारी हो चुकी है। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शोरूम आके टेस्ट राइड जरूर करो, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पर इसका रेडिएटर जो है वो आपको छोटा डिज़ाइन का देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर ओवरऑल जो है इस बाइक के अंदर 280 mm के फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं, बाइब्री कैलिपर के साथ डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम आते हैं, MRF कंपनी के टायर आपको देखने को मिलेंगे 90x90 सेक्शन के, और यहाँ पर 18 इंचेस का अलॉय व्हील आता है। साथ में फेंडर पूरा मेटल का है, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम आते हैं कवरिंग के साथ पूरी मेटल के, हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर, बल्ब इंडिकेटर्स बहुत ही प्यारे से क्यूट से इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर आपको जो है 13.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, 42 की बैजिंग आती है, कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर देख सकते हो इन बटन्स के थ्रू नेविगेट करके, इसके अंदर लाइक आप चीज़ें पूरी चेक कर सकते हो इसके अंदर। बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंडिकेटर बटन, हॉर्न बटन, यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास, राइट साइड में किल स्विच, इग्निशन स्विच, इन हैजार्ड लाइट का ऑप्शन आता है। सिंगल सीट आती है, स्प्लिट नहीं आती है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, कुशनिंग बहुत प्यारी है, मतलब ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है और मज़ेदार बाइक है। यहाँ पर जावा 42 की आपको ब्रेजिंग देखने को मिल जाएगी, डुअल यहाँ पर जो है सस्पेंशन सेटअप है, वन एट द राइट एंड वन एट द लेफ्ट। यहाँ पर डुअल एग्जॉस्ट सेटअप आता है, कंप्लीट LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स आते हैं। यहाँ पर जो है आपको डिस्क ब्रेक बाइब्री का देखने को मिलता है, डुअल चैनल डीपीएस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, 240 mm का डिस्क ब्रेक है। एंड रियर में भी जो है आपको MRF कंपनी के टायर देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं एंड ऑल टुगेदर काफ़ी वाइड टायर है। यहाँ पर जो है बाइक का लुक बहुत अच्छा आता है, राइडिंग एंगल बहुत प्यारा है, बाइक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है एंड जो बाइक का माइलेज है ऑलमोस्ट 33 km/L देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी डिसेंट देखने को मिलती है स्पेसिफिकली फॉर सिटी एंड हाईवे राइडिंग। एंड जो ओवरऑल यहाँ पर डिज़ाइन स्ट्रक्चर है बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल बाइक इसलिए बिकॉज इस बाइक की जो सीट हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बाइक के हैंडल बार्स बहुत अच्छी तरीके से पोजिशन है, तो आप इस बाइक पर जो है जल्दी थकते नहीं हो, आप चाहे कितना भी लंबा इस बाइक को चला लो। सबसे बड़ी खास बात यह है इस बाइक का सेकेंड कलर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर खड़ा है ब्लू कलर, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट कलर। ये जो ब्लू कलर है ना इतना प्रीमियम है, लिटरली बहुत ही प्यारा लगता है एंड बहुत अल्टीमेट लगती है इसके अंदर बाइक। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा दूर से कुछ इस प्रकार से आपको कलर देखने को मिलता है, ब्लू कलर के अंदर बाइक आती है एंड सेम यहाँ पर आपको हर एक चीज़ सेम देखने को मिलती है, प्राइस भी सेम है इस बाइक का। इस बाइक की एक और ख़ास बात यह है कि इसका जो है सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है आपको फ्रंट और रियर का, तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छी सस्पेंशन क्वालिटी देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल आप थोड़ा बहुत अगर ऑफ रोड फन भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी है इस बाइक के अंदर आराम से। साथ में यहाँ पर इस बाइक को संभालना बड़ा आसान है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, माइलेज जो है काफ़ी डिसेंट है 33 km/L का, जो मुझे काफ़ी डिसेंट लगता है। यहाँ पर अगर आप बैठते हो इस बाइक के ऊपर तो आपके जो पैर हैं बिल्कुल फ्लैट आएंगे, आप टिपटो नहीं करोगे एंड यहाँ पर जो है ओवरऑल कुछ इस प्रकार से राइडर एंगल आपको देखने को मिलता है। एंड हल्की गाड़ी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, संभालना बहुत आसान है। यहाँ पर इस बाइक को हैंडल करना, मैन्यूवर करना, इट्स अ पीस ऑफ केक इन टुडेज वर्ल्ड। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बाइक के अंदर आपको सिंगल स्टैंड देखने को मिलता है साइड वाला, ओवरऑल फ्यूल टैंक जो है आप आराम से यहाँ पर ग्रैप कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, अपने नी के साथ आप लॉक कर सकते हो इसको और जो है पूरा आप हैंडल कर सकते हो ईजिली ट्रैफिक के अंदर इस बाइक को। क्वालिटी बहुत अच्छी है, पेंट स्कीम बहुत ही प्यारी आती है बाइक की, प्राइस जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, 2,44,000 रुपीज़, तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। इंजन परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड ऑन दिस बाइक एंड एक प्रॉपर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे लगता है यहाँ पर जावा का 42 के बारे में बात करें। बाकी इसके अंदर और भी कलर्स आते हैं, दो कलर्स के बारे में बात करूँगा। सो एक कार्बन कलर आता है और एक फोर्थ कलर और आता है, बाकी मुझे पर्सनली जो है ब्लू कलर अच्छा लगता है एंड सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्लैक ही है। सो आपको कैसी लगती है जावा 42 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, वीडियो चल गई हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए।
मिलते हैं आप सभी वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ। बाय बाय।